दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कोविड काल के शुरुआती दौर से ही गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते रहे हैं और राजधानी को कोविड के बढ़ते संकट में भगवान भरोसे छोड़कर केजरीवाल नव वर्ष तक पंजाब में रहकर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। अनिल कुमार ने दिल्ली में संक्रमण दर 0.89% पहुंचने के बाद लगे येलो अलर्ट के बाद उत्पन्न हुई चिंताजनक परिस्थितियों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तुरंत प्रभाव से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री से पूछा कि केजरीवाल किसके सहारे दिल्ली को छोड़ पंजाब जा रहे हैं, संकट में बिगड़ती स्थिति की किसकी जवाबदेही होगी। बड़े विषय हैं, अरविंद के द्वारा जिस तरह से घोषणा की गई है दिल्ली के अंदर बढ़ते हुए संक्रमण को लेकर के जो अलर्ट घोषित किया गया है येलो अलर्ट, और जिसमें ग्रैप ग्रेटेड रिस्पांस एक्शन प्लान घोषित किया गया है, हम ये कहते हैं कि आपने कुछ पाबंदियां तो लगाई हैं लेकिन साथ के साथ उन मजदूर वर्ग को भी ध्यान में रखना चाहिए था, इसलिए ग्रैप की मांग हमने और की। तो ग्रैप क्या है, ग्रेडेड रिलीफ अनाउंसमेंट प्लान होना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से पूरे कोविड काल में न्याय मांग के तहत उनको लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये की मदद हर मंथ देनी चाहिए, अन्यथा भारी तादाद में जिस तरह से पलायन उस समय हुआ था वैसी स्थिति अब दिल्ली के अंदर फिर से बनती जा रही है। ओमिक्रॉन संक्रमण के बाद भय है, खौफ है, तो लोगों को आवश्यकता है सरकार से राहत मिलने की। एक दूसरा विषय नीट की काउंसलिंग को लेकर के जो डॉक्टर्स अपना आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से जो एक जगह एकत्रित होकर के मंत्री के घर जाकर के अपनी बात रखना चाहते थे, उन पे आरोप लगाना, लाठी भाजना, मुकदमे दर्ज करना, मुकदमे भी किस तरह के, देशद्रोही, दंगे, सरकारी कर्मचारियों पे हमला, इस तरह की धाराओं के साथ ऐसी सेक्शन लगाना जो नॉन बेलेबल हो। मैं समझता हूँ जिन डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा प्राप्त हो और जहाँ हम संक्रमण के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं उन डॉक्टर पे इस तरह से लाठी भाजना आज हर समाचार पत्र की हेडलाइन बनी हुई है। दुख होता है कि इन डॉक्टरों के ऊपर इस तरह का बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार कराया गया है ये किसके सह पे कराया गया, तो केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार है, तमाम सरकारें मौन हैं और लगभग 1.5 से 2 साल हो गए इनकी नीट की काउंसलिंग नहीं हो पाई, स्टाफ की कमी दिल्ली सरकार के अस्पतालों में। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब नींद में सो जाते हैं, जब कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है तो राहुल जी वीडियो अपलोड करते हैं तो वो एकमात्र औपचारिकता करके पत्र लिख करके छोड़ देते हैं। मेरा प्रश्न अरविंद से, कितनी बार देश के स्वास्थ्य मंत्री से इन डॉक्टर्स के बारे में आपने बातचीत की, मुलाकात क्यों नहीं की गृह मंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से समय क्यों नहीं मांगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से समय क्यों नहीं मांगा। तो कहीं ना कहीं अरविंद की जो नीयत है पूरी तरह से पॉलिटिकल है और वही बात करते हैं जो देश के गृह मंत्री या देश की सरकार यानी कि आरएसएस सरकार जो करती है। इसीलिए हमने कहा है डॉक्टर के ऊपर लगने वाली FIR जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने विभाग से तुरंत इनको निरस्त करने के ऑर्डर दिए जाएं। ये स्टेट वर्सेस केस होता है, हमें मालूम है अरविंद को वो ताकतें प्राप्त हैं, अरविंद चाहे तो डॉक्टर पे लगने वाली FIR को रद्द कर सकते हैं, ये डॉक्टर हैं, कोरोना योद्धा हैं, वॉरियर हैं। और केंद्र सरकार जिस तरह से पहले मोदी जी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते थे, थाली भिजवाते थे, दिए जलवाते थे, आज उन पर ये FIR करके दिखा दिया है, उनके मन में कुछ और होता है और एक्शन में कुछ और होता है, यही बर्बरतापूर्ण किसानों के साथ किया गया, यही डॉक्टर के साथ। ठीक है। दिल्ली से BCN न्यूज़ के लिए संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।